everyone, welcome back to my channel Love Yourself Neelu First. In today's video I came up with soft dewy makeup 2022. So first of all, happy new year everyone. Is saal mein aapko bahut acche acche time jaye, good news aaye aur गुड हेल्थ के साथ आप रहो. सो ये मेरा 2022 का फर्स्ट मेकअप वीडियो होगा. सो इन्जॉय दिस वीडियो. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी. बहुत सॉफ्ट मेकअप है, बहुत ईजी है, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी. वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है. और प्रोडक्ट के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मैं यहाँ पर पिलग्रिम मॉइस्चराइजर ले रही हूँ जो कि नाइट जेल क्रीम है. बट क्योंकि मैंने बेसिकली नाइट पे ही ये मेकअप क्रिएट किया था, सो मैंने नाइट जेल क्रीम ही लिया है. सो आपके स्किन पे जो भी मॉइस्चराइजर सूट करता है आप वो ले सकते हो. सो अच्छे से लाइट सा एक मसाज करना है. नेक्स्ट मूविंग टू प्राइमर. सो यहाँ पर मैं मेबेलिन फिट मी का डुई एक प्राइमर है जो कि आपको थोड़ा सा ड्यूई लुक भी देता है, प्राइम करता है और साथ ही साथ आपके जो ओपन पोर्स उसे मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा और आपका जो मेकअप है बहुत स्मूथली ब्लेंड होगा और लॉन्ग लास्ट रहेगा. सो इसे अपने फेस की टी जोन पे अच्छे से अप्लाई करना है और लाइट से मसाज करना है. सो लाइट से मसाज करने के बाद मैं लिप्स को भी थोड़ा हाइड्रेट करूंगी. सो यहाँ पर मैं रिनी का लिप टिंट ले रही हूँ आपका. सो इस टिंट को आप एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द टिंट. ये थोड़ा सा ब्लश का काम भी करता है. सो इससे मेरा लिपस्टिक थोड़ा हाइड्रेट रहेगा. नेक्स्ट मूविंग टू हेयर्स ब्यूटी इल्यूमिनेटर जिसका शेड है ब्राउन. सो बिकॉज ये थोड़ा ड्यूई मेकअप है सो अंडरनीथ यहाँ पर मैं लिक्विड हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ. आपके पास जो भी ब्रांड है आप वो यूज कर सकते हैं. सो ऑल ओवर फेस में अप्लाई नहीं करूंगी, जस्ट हाई पॉइंट ऑफ माई चीज, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड, जहाँ पर आप फोटो क्लिक करते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा ना फ्लैश लगते हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट या डुई या आप कह सकते हो कि एक ग्लो फैक्टर आता है उस एरियाज में. सो इसे फिंगर टिप से ही मैं ब्लेंड कर लूंगी. नेक्स्ट यहाँ पर स्विस ब्यूटी का 03 शेड कंसीलर है, लिक्विड कंसीलर. ये भी हाई कवरेज है, फुल कवरेज है. सो अंडर आइज को थोड़ा सा कंसील करूंगी, थोड़ा सा अपने आईलिड को भी प्राइम करूंगी, फोरहेड में अप्लाई करूंगी. जो जो हाईली पिगमेंटेड दिख रहा है ना उस एरियाज में थोड़ा सा स्पॉट मैं यहाँ पर डॉट बना दूंगी एंड एक छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से इसे मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी. सो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निक मैंने यहाँ पर डिफरेंट किया है. सो फर्स्ट मैं फाउंडेशन के बाद कंसीलर बेसिकली यूज करती हूँ, बट इस लुक पे पहले मैंने कंसीलर अप्लाई किया है. सो ये टेक्निक भी आपका वर्क करता है. सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे इसे यूज कर रहे हैं. सो इससे पहले मैं आज कंसीलर अप्लाई किया, नेक्स्ट यहाँ पर मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी. फेस के लिए यहाँ पर टू फाउंडेशंस मैं ले रही हूँ, एक है मेबेलिन का और सेकेंड लैक्मे जिसका वॉर्म सैंड शेड है और दूसरे का है 220 नेचुरल बेज. सो इसे डॉट डॉट लाइक पहले मिक्स किया है, देन डॉट डॉट ऑल ओवर फेस में इसे मैंने अप्लाई किया है. देन ब्यूटी ब्लेंडर से जो भी लाइक आप देख सकते हो ना जो कंसील एरिया है उसके अलावा जो स्पेयर आपको दिख रहा है ना उस एरियाज में मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई किया है एंड ब्यूटी ब्लेंडर से इस ऑल ओवर फेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अगर आप चाहो तो ब्रश के हेल्प से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे मैं कॉन्टोर करूंगी. सो कॉन्टोर के लिए यहाँ पे मैं शुगर का कॉन्टोर, स्टिक कॉन्टोर आप बोल सकते हैं, वो ले रही हूँ. इसका शेड थोड़ा सा मेरे स्किन टाइप से टू शेड्स डार्कर है. सो इससे पहले मैं नोज में ड्रॉ करूंगी एंड अपने जॉ लाइन के जस्ट ऊपर. इससे क्या होता है ना आपका फ्लैट हो जाता है अगर आप कोई भी बेस करते हैं तो, उसे थोड़ा सा डायमेंशन के लिए, स्कल लुक के लिए आपको जो है कॉन्ट्रोल की नीड पड़ती है. सो इसे मैंने पहले अप्लाई कर लिया है एंड देन अगेन ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. सो यू कैन सी द डिफरेंस कि फाउंडेशन के बाद जो एक फ्लैट लुक आ जाता है ना उसके बाद आपको ना थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस दिखना शुरू हो जाएगा. सो इसे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. सो अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं लाइक आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, सिंपली आप ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर दोनों यूज किया है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं बेस को सेट करने के लिए जीनो मैक्री का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ. ऑल ओवर फेस को इससे पहले मैं अच्छे से सेट. सो पाउडर से आपका जो बेस है वो लॉक हो जाता है और क्रीज होने से बचता है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं ब्राउ ग्रो ले रही हूँ. ये एक्चुअली सोप है, लाइक ब्राउ सोप. सो थोड़ा सा मैं टेक्निक फॉलो करूंगी लाइक जो ट्रेंडिंग में ब्राउ होता है. सो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने ब्राउ को शेप करूंगी, जैसे कि ऊपर की तरफ थोड़ा सा लिफ्ट कर रही हूँ और इसको साथ ही साथ मैं प्रेस कर रही हूँ. तो जैसा भी आप शेप चाहो ना इस ब्राउ सोप से आप कर सकते हो. सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं मेबेलिन फैशन ब्रो ब्राउ पेंसिल ले रही हूँ जिसका शेड है ब्राउन
और जो भी स्पेयर पार्ट है उस एरियाज में थोड़ा सा मैं इससे पेंसिल से उसे फिल इन करूंगी, पूरा नहीं करूंगी, जस्ट हल्का हल्का जहाँ पर मुझे नीड लग रही है। नेक्स्ट अगेन जो ब्राउ सोप है उसे मैं एक ब्रश के हेल्प से फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा फिनिश लुक दूंगी। सो यू कैन सी ये थोड़ा सा ब्राउ जैसे भी आप रखोगे ना उसी शेप में हो जाएगा। नेक्स्ट इसको फिनिश लुक के लिए मैं थोड़ा सा कंसीलर ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश में और थोड़ा सा ना आउटलाइन कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना आपका जो ब्राउ है एकदम नेचुरल इफेक्ट देता है। एंड थोड़ा सा इसी के साथ हल्का सा ना ब्लेंड भी कर लूंगी ब्रश की हेल्प से। नेक्स्ट आई लुक के लिए द सिटी मिनी पैलेट ले रही हूँ मेबेलिन का। सो इसमें ऑलमोस्ट सारे न्यू शेड है। सो ये मैं पिक कर रही हूँ जो ब्राउन शेड है उसे लूंगी एक छोटे से फ्लैट ब्रश में और आउटर वी में ना थोड़ा सा सर्कल आप देख सकते हो इसे थोड़ा सा कलर जो है लाइक शेड है वो प्लेस करूंगी। एंड इनर कॉर्नर में भी सेम ब्रश के हेल्प से सेम शेड जो है मैं थोड़ा सा प्लेस करूंगी। सो जैसे मैं कर रही हूँ ना जस्ट आपको यही स्टेप फॉलो करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। देन एक क्लीन फ्लफी ब्रश लूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। सो जो भी एरियाज है आप देखो कि बहुत ही लाइट सा स्मूथ सा एक आपको स्मूथली एक इफेक्ट दिखेगा ब्राउन शेड का, लाइक बहुत लाइट से स्मोकी लुक। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इनसाइड का लिक्विड ग्लिटर ले रही हूँ जिसका शेड थोड़ा सा मेटालिक ग्रीन पे आएगा और इस को मैं जस्ट आप देखिएगा बहुत सिंपल वे है, मैं सेंटर ऑफ माय लिड जो है वहाँ पर जस्ट पहले प्लेस करूंगी और फिंगर टिप से क्योंकि लिक्विड है सो इसे मैं थोड़ा सा स्प्रेड करूंगी दोनों एरियाज में। सो सेंटर में थोड़ा सा ग्लिटर और थोड़ा सा शाइन स्पार्क दिखेगा एंड बोथ कॉर्नर जो है इनर और आउटर दोनों में थोड़ा सा स्मोकी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक बार फ्लफी ब्रश से एक बार क्रीज एरिया को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि हार्श एजेस ना रहे। यहाँ पर नेक्स्ट मैं बिलोरा का काजल ले रही हूँ। सीरियसली गाइस ये मेरा फेवरेट काजल है नाउडेज क्योंकि बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है और हाइड्रेट भी रखता है। सो इसे जस्ट टैकलाइन करना है अपने वाटर लाइन पे और एक एंगल ब्रश में थोड़ा सा ब्राउन शेड मैंने फिर से लिया है और नीचे थोड़ा सा इसको स्मोक आउट करूंगी अपने लोअर लैश लाइन पे और जितना भी थोड़ा सा बचा है ना उसे जस्ट आउटर वी में हल्का सा कॉर्नर से कनेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट इसका फ्लफी ब्रश से एक बार फिर से जो लोअर लैश लाइन है उसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट अपने लैश को यहाँ पर मैं कर्ल कर लूंगी। सो यू कैन सी बहुत ही सिंपल है बट एट द सेम टाइम बहुत ही अच्छा एक आई लुक भी क्रिएट हो गया है। यहाँ पर मैंने लैश को कर लिया है कर्ल और इसके बाद मैं मस्कारा से कोट करूंगी एंड फॉल्स लैश भी जो है ना मैं ऑफ कैमरा अप्लाई करूंगी। सो मेबेलिन का फॉल्स जो मस्कारा है ये मैंने अप्लाई करना है अपने अपर एंड लोअर लैश दोनों पे। सो नेक्स्ट दिस इज द ऑप्शनल गाइस, अगर आप चाहो तो बेक कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं बेबी पाउडर ले रही हूँ हिमालय का। सो अंडर आईज को थोड़ा सा मैं बेक करूंगी और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था ना जस्ट उस एरियाज में। बेक करने से ना आपका जो ऑल ओवर जो बेस है ना बहुत ही शार्प लुक आता है। जस्ट 5 मिनट्स में रखूंगी इस पाउडर को एंड देन उसके बाद जो है डस्ट ऑफ कर दूंगी। सो यू कैन सी द डिफरेंस कि आपको थोड़ा सा ना ब्राइटन अप लगेगा जहाँ जहाँ पर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था और उस एरियाज में आपका जो मेकअप है वो लॉक हो जाएगा अच्छे से और वो क्रीज नहीं होगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर मैं एक ब्राउन पैलेट ले रही हूँ, ये ब्रॉन्जर है। सो इसमें से आपके पास जो भी ब्राउन कलर है आप उससे ब्रॉन्जर कर सकते हैं। सो ये आप जहाँ जहाँ पर आपने कॉन्टोर किया था ना उस एरियाज में करेंगे। सो इसमें आपको प्रॉपर शार्प लुक आ जाएगा अगर आप दोनों पार्ट करते हैं, लिक्विड कॉन्टोर के साथ आप पाउडरी जो ब्रॉन्जर है वो करते हैं। आप चाहो तो दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं बट इस वीडियो में क्योंकि मुझे लाइक ये मेकअप फॉर बिगिनर करना था तो इसलिए मैंने दोनों प्रोसेस जो है इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। देन नोज को थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी ब्रॉन्जर से एंड फिंगर टिप से इसको ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर रिफ्रेशिंग एंड ग्रूमिंग का मैं ब्लश ले रही हूँ जिसका शेड है पिंक और एक बड़े से फ्लफी ब्रश के हेल्प से मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूंगी अपने एप्पल ऑफ चीक्स में, थोड़ा सा फॉरहेड एंड चिन पे। सो इसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मैं हाइलाइटर ले रही हूँ अपने दूसरे पैलेट से, ओफ्रा जो पैलेट है हाइलाइटर, उसमें से 2 शेड मैंने पिक किया है। हाइलाइटर आपके चॉइस का, आप कोई भी पैलेट में से यूज कर सकते हैं। सो एप्पल ऑफ द चीक्स, थोड़ा सा फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड एंड चिन पे इसको अच्छे से थोड़ा सा अप्लाई कर लूंगी। सो इसमें ऑल ओवर फेस जो है आपका ड्यूई इफेक्ट देगा क्योंकि फर्स्ट मैंने इसे थोड़ा अंडरनीथ लाइक बेस सेट करने से पहले मैंने यहाँ पे इल्यूमिनेटर भी यूज किया था। देन स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ और अपने फेस में स्प्रे कर दूंगी थोड़ा सा डिस्टेंस से और उससे पहले शेक जरूर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो इसे जस्ट एब्सॉर्ब होने का थोड़ा सा टाइम दूंगी।
नेक्स्ट यहाँ पर चेरी ब्राउन स्विस ब्यूटी का लिप पेंसिल ले रही हूँ मैं, और अपने लिप्स को थोड़ा सा आउटलाइन करूँगी। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ क्योंकि न्यूड शेड जो लिपस्टिक है वो ज़्यादा थोड़ा सा क्लासी लगता है, सो अगेन यहाँ पर मैं न्यूड शेड पे ही जा रही हूँ। सो पहले मैं आउटलाइन करूँगी, देन मैक का यहाँ पर मैं न्यूड लिपस्टिक ले रही हूँ। सॉरी गाइज, यहाँ पर मैं शेड नंबर नहीं बता पा रही हूँ बिकॉज इसके नीचे जहाँ पर शेड नंबर होता है उसमें मेरा रेड कलर का लिपस्टिक उसके ऊपर लग गया है, तो वो शेड नंबर अब विजिबल ही नहीं हो रहा है। बट ए न्यूड शेड है, सो इसे मैंने अप्लाई करने के बाद यहाँ पर मेबेलिन का लिक्विड लिपस्टिक लिया है। सो इसे मैंने इसलिए किया क्योंकि वो क्रीम टेक्सचर था, तो इससे क्या होता है ना थोड़ा सा आपको मैट फिनिश आ जाता है। ये भी न्यूड शेड है, सो इसे जस्ट आउटलाइन किया है और आप देख सकते हो लाइक न्यूड शेड है बट स्टिल आपका जो क्रीम टेक्सचर वाला लिपस्टिक है ना, एक हैक है एक्चुअली, ये लिक्विड है जो कि नॉन ट्रांसफर है, सो ये मैट में कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज माय फाइनल लुक। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे एक कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।